Hello everyone. Welcome to Sumit's tutorial. Today I'm going to discuss about ABO blood group. There are mainly four type of ABO blood group. First A blood group, second B blood group, third AB blood group and fourth O blood group. ओके okay, तो आपने देखा होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप भी होती है ए पॉजिटिव ए निगेटिव बी पॉजिटिव बी निगेटिव तो ये पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे होती है आर एस फैक्टर होते हैं उनकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव होती है आर एस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए तो इसको मैं डिटेल में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आर एस फैक्टर क्या है एंड पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे होती है ओके okay? तो इसमें हम बात करेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में तो आप देखो तो फॉर uh, एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जिसकी ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड के सीरम में एंटीजन क्या होंगी ए होंगी ओके एंड एंटीबॉडी क्या फॉर्म होगी एंटी बी एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है ओके एंटीजन बाय बर्थ होती है एंड एंटीबॉडी कब फॉर्म होती है तो जब कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होती है ओके okay. तो अगर कोई पर्सन है जिसकी ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन जब भी होगी तो ए होगी एंड एंटीबॉडी उसके अपोजिट क्या होगी बी होंगी ओके okay? क्लियर तो अगर कोई पर्सन है जिसकी ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ब्लड के सिरे में एंटीजन क्या होंगी बी होंगी एंड एंटीबॉडी क्या होंगी एंटी ए एंटीबॉडी होगी ओके अगर कोई पर्सन है जिसकी ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी एंटीजन क्या होंगी ए बी ए बी होंगी एंड एंटीबॉडी क्या होगी एंटीबॉडी एप्स एंटीबॉडी एबसेंट इसलिए होगी क्योंकि देखिए अगर एंटी ए एंटीबॉडी फॉर्म होती है तो क्या होगी ये एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय कर देगी ये खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी अगर एंटी बी एंटी बॉडी फॉर्म होती है तो एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय कर देगी इसकी वजह से ए बी ओ ब्लड ग्रुप वाले जो भी पर्सन होती है उसमें एंटीबॉडी एबसेंट होती है नो एंटीबॉडी ओके तो अगर कोई पर्सन है ओ ब्लड ग्रुप वाला है तो उसमें एंटीजन एबसेंट होती है एंड एंटीबॉडी क्या होती है एंटी बी एंटीबॉडी एंड एंटी ए एंटीबॉडी तो ये आपको क्लियर हो गई कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होंगी एंड एंटीबॉडी एप तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आती है ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप तो ये कन्फ्यूज़ करने वाली पॉइंट है तो अगर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको क्या होगा आप कोई कोई भी क्वेश्चन आए आपको वो चीज़ क्लियर रहेगी तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सही बनाओगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है कि ए बी जो होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पेशेंट होते हैं जो पर्सन होते हैं उनमें क्या होती है एंटीजन होते हैं एंटीबॉडी इसकी वजह से नहीं होती है क्योंकि वो खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी इसकी वजह से एंटीबॉडी एब्सेंट होती है ओके okay? अब आप देख रहे हो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तो इसमें क्या होती है अगर बी ब्लड ग्रुप का कोई भी पर्सन है रेसिपिएंट है उसे ब्लड चाहिए हो ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो वो किससे ब्लड लेगा तो वो बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होंगे उनसे ही ब्लड ले सकता है तो डोनर कौन होनी चाहिए बी ब्लड ग्रुप की ही होनी चाहिए तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होना चाहिए बी होना चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्लड ग्रुप बी है तो जो डोनर है उसकी ब्लड ग्रुप भी क्या होनी चाहिए बी होनी चाहिए अगर ए होगी तो क्या होगा इस केस को भी देखेंगे तो जब बी ब्लड ग्रुप की मेरी बी ब्लड ग्रुप है मैं रेसिपियंट हूँ और मुझे डोनर है बी ब्लड ग्रुप का तो बी ब्लड ग्रुप वाले की एंटीजन बी होंगी एंड एंटीबॉडी क्या फॉर्म होगी ए होंगे एंटी ए एंटीबॉडी एंड उसकी भी क्या होगी जो डोनर है उनकी भी एंटीजन क्या होंगे बी होंगे एंड एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है ओके okay? तो इससे क्या होगी हमारी बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं होगी वो हमारे बॉडी में सही से डाइल्यूट हो जाएगी उसकी भी ब्लड जो डोनर है अब आप सेकंड केस से देख रहे हो कि बी ब्लड ग्रुप की ही पर्सन है रेसिपिएंट एंड डोनर क्या है डोनर ए ब्लड ग्रुप की है तो अगर गलती से बी ब्लड ग्रुप वाले में ए ब्लड ग्रुप ब्लड चली जाती है उसके बॉडी में ए ब्लड ग्रुप की तो क्या होगी तो देखिए जो रेसिपिएंट है उसकी ब्लड uh, उसकी जो एंटीजन है वो क्या है बी है एंड एंटीबॉडी क्या फॉर्म होगी एंटी ए एंटीबॉडी एंड जो ए ब्लड ग्रुप की डोनर है उसके एंटीजन क्या होंगे ए होंगे एंड एंटीबॉडी क्या होगी एंटी बी एंटीबॉडी तो इस केस में क्या होगी इस केस में यह होगी कि इसकी जो डोनर है डोनर की एंटीबॉडी तो हमारे एंटीजन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी क्योंकि मेरे बॉडी में क्या है आ, फाइव लीटर के अप्रॉक्स क्या है ब्लड हैं एंड जो डोनर डोनेट कर रहा है ब्लड को मुझे तो उसकी जो ब्लड है वो टू टू थ्री एम है तो वो क्या है अमाउंट बहुत कम अमाउंट है हमारे ब्लड के कंपरिजन में उसकी ब्लड की तो इससे क्या होगी हमारे बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं होगी उसकी एंटीबॉडी कोई अफेक्ट नहीं डाल पाएगी हमारे बॉडी के जो ब्लड हैं उस पर ब्लड के एंटीजन पर ओके okay, तो मगर हमारी मेरी जो ब्लड जो मेरी एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी उसके एंटीजन पे अफेक्ट डालेगी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी तो एंटी ए एंटीबॉडी उसके एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय कर देगी ओके okay. बट क्योंकि इस वजह से डिस्ट्रॉय कर देगी कि क्योंकि मेरी एंटीजन क्या है बी है एंड उसकी एंटीजन डोनर की एंटीजन क्या है ए है तो इसके एंटीजन ए एंड मेरी जो एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी एंटी जो फॉर्म होगी वो इसे क्या करेगी डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि ये पहचान जाएगी कि ये मेरी ब्लड नहीं है ये किसी और की ब्लड है जो मेरे बॉडी पर अटैक कर रही है तो, तो उसकी वजह से क्या करेगी मेरी बॉडी की जो एंटी बॉडी है उसकी एंटीजन को डिस्ट्रॉय तो कर देगी तो इस केस में ही होती है कि जो भी ब्लड ग्रुप जिस ब्लड ग्रुप का जो भी पर्सन है उस ब्लड ग्रुप के ही पर्सन की ब्लड उसमें डोनेट होती है ओके okay, क्योंकि इस केस में आप देखें कि वो क्या करती है उसे डिस्ट्रॉय तो कर देती है उसके सेल में जो भी उसके जो ब्लड सेल थे, है ब्लड सेल में जो एंटीजन है उसे डिस्ट्रॉय कर दे देगी एंटीबॉडी ओके okay, तो इस केस में ही इसकी वजह से ही सेम ब्लड ग्रुप का ही अब इस केस में आप क्या देख रहे हो कि ए ब्लड ग्रुप की कोई पेशेंट है तो उससे ब्लड चाहिए हो उसे ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो अगर बी ब्लड ग्रुप की जो डोनर है वो ब्लड को दे दे तो क्या होगा उस केस में क्या होगी उस केस में भी वही होगी कि जो देखिए एंटीजन जो रेसिपिएंट की एंटीजन है ए है एंड एंटीबॉडी क्या है एंटी बी एंटीबॉडी एंड जो डोनर है उसकी एंटीजन क्या है बी है एंड आं, एंटीबॉडी क्या है एंटी ए एंटीबॉडी तो ये क्या करेगी मेरी जो एंटी एंटीबॉडी है उसके एंटीजन को क्या करेगी डिस्ट्रॉय कर देगी तो इस केस में ही क्या होती है कि डिस्ट्रॉय कर देगी उसके जो ब्लड सेल हैं उसको उसके एंटीजन को मेरी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी तो कभी भी सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही सेम ब्लड ग्रुप कोई भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर सेम ब्लड ग्रुप वाले जो भी पर्सन होता है उसको अगर डोनर जो भी होता है वो सेम ब्लड ग्रुप का ही होना चाहिए ओके okay. तो आप देख रहे हो आप ए बी ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है रेसिपिएंट है इसे ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो ये किससे ले सकता है तो देखिए इसके इसके बॉडी में इसके ब्लड सेल जो होती है उसमें एंटीजन क्या होते हैं ए बी ए बी होते हैं एंड एंटीबॉडी क्या होती है एबसेंट होती है ओके okay. एंड ये क्या कर सकता है जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं क्योंकि आप देखो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले डोनर है तो उसके पास क्या होंगे एंटीजन ए होंगे एंड एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी होगी एंड ये जो है रेसिपियंट जो है इसके पास एंटीबॉडी ही है एब्सेंट है तो जब एंटीबॉडी एब्सेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी बॉडी में इंटर करे तो इससे क्या अफेक्ट होगी इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगी क्योंकि ये किसी भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है इसके पास एंटीजन एबसेंट है अगर इसके पास एंटीजन ए होती तो फिर ये एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय कर देती अगर इसके पास एंटीजन बी होती तो ये एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय कर देती बट इसके पास एंटीबॉडी क्या है एबसेंट है तो ये कोई सा भी एंटीजन इसके बॉडी में एंटर करे ये किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो भी पर्सन होते हैं वो यूनिवर्सल एसेप्टर होते हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं ए से बी से A, फिर ओ से ए बी से किसी से भी ब्लड ले सकते हैं ओके आपको ये केस क्लियर हो चुकी होगी कि क्यों इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी अब आप ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन को देख रहे हो कोई पर्सन है जिसकी ब्लड ग्रुप ओ है रेसिपिएंट है एंड इससे ब्लड की रिक्वायरमेंट है इसे ब्लड चाहिए होगा तो वो ब्लड किससे ले सकता है तो देखो इसकी जो एंटीजन होती है वो एबसेंट होती है बट एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी होती है एंड एंटी ए एंटीबॉडी होती है इसके ब्लड में ओके okay. बट इस केस में क्या हो सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते हैं सिवाय सिर्फ वो ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं क्यों क्योंकि आप देखो ये जो है डोनर है ए ब्लड ग्रुप का है इसके पास एंटीजन ए है एंड एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी है ओके okay, तो अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी ओ ब्लड ग्रुप वाले में जाती है एंटीजन तो ये क्या करेगा इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी है तो ये एंटी ए एंटीबॉडी एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय कर देगी ओके okay? अगर अगर आप नेक्स्ट केस देखते हो अगर बी ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है उसके पास एंटीजन क्या होंगी बी होंगी तो बी एंटीजन जब इसके जो uh, रिसेप्टर है इसके बॉडी में एंटर करेगी तो क्या करेगी एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो एंटी बी एंटीबॉडी क्या करेगी एंटीजन बी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी तो इस केस में क्या हो सकती है ओ ब्लड ग्रुप वाले जो भी पर्सन होते हैं वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं इसीलिए इसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले जो भी पर्सन होते हैं उसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर क्योंकि कि ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं बट किसी से ब्लड ले नहीं सकते हैं ओके okay? तो आपको ये डाउट जो होगी वो क्लियर हो चुकी होगी अब अब आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे तो आई होप गाइस आपको जो भी टॉपिक uh, में डाउट हो वो सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी एंड आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें लाइक करें शेयर करें एंड हाँ मोटिवेशनल वीडियो टिप्स ट्रिक रिलेटेड वीडियो तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन को क्लिक करें लाइक करें शेयर करें